दोस्तों, आज हम आप सभी से बात करेंगे एलईडी पे, एलईडी बल्ब। एलईडी बल्ब के बारे में तो आप सभी जानते होंगे दोस्तों, ये हर घर और शॉप में यूज़ होता है। दोस्तों, एलईडी का मतलब होता है लाइट इमिटिंग डायोड। अक्सर हमारे घरों में एलईडी बल्ब फ्यूज़ हो जाता है तो हम उसको फेंक देते हैं और मार्केट से नया बल्ब लाकर उसको लगा देते हैं, जो कि 100 से 150 रुपये का आता है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि फ्यूज बल्ब को कैसे रिपेयर करते हैं, जो कि फ्री में होगा, आपका उसमें कुछ भी नहीं लगना है। जी हाँ, आपने सही सुना, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है, और इसके लिए आपको 6 चीजों की जरूरत पड़ेगी जो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं इतना कहना चाहूंगा कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, और वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसको लाइक कर दें। ओके दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे उन 6 चीजों की जिनकी हमको जरूरत पड़ेगी। पहली जो चीज है वह है सोल्डरिंग आयरन। ये मार्केट में 50 से 100 रुपए के बीच में मिल जाता है। और दूसरी चीजें है जो, वह है सोल्डिंग वायर। ये है पेस्ट फ्लक्स, ये भी आपको 10 रुपए मिल जाएगा। अगर दोस्तों आप चाहें तो आप पूरी किट ले सकते हैं सोल्डिंग की, जो कि आपको आगे भी काम में आएगी। अब हमारी जो चौथी चीज है वो है वायर, एक वायर का टुकड़ा। पांचवी चीज है बल्ब का होल्डर, और छठी चीज है टेस्टर। ठीक है दोस्तों, अब हम फटाफट बढ़ेंगे अपने वीडियो पे और आपको बताएंगे एलईडी कैसे रिपेयर करते हैं। दोस्तों, ये मैंने एक होल्डर लिया हुआ है जिसमें इलेक्ट्रिकल कनेक्शन पहले से दे रखा है, इसकी आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, हम देखिए, मैंने एलईडी बल्ब ले लिया, अब इसको लगाया और ये नहीं जला। एक्चुअली क्या होता है दोस्तों, जब हमारा बल्ब खराब हो जाता है तो मे भी कुछ उसकी एलईडी ग्लो करती रहती है, क्योंकि सही होती है, सारी नहीं खराब होती है। वही मैं आपको दिखाने वाला हूँ ओपन करके। देखिए, मैं इसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से जो टेस्टर है ओपन कर रहा हूँ, कैप हटा रहा हूँ। दोस्तों ये देखिए, मैंने कैप हटा लिया है और हम देख रहे हैं इसमें ये एलईडी लगी है। जी हाँ, यही एलईडी है, लाइट इमिटिंग डायोड। और इसमें L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9 तक है, यानी ये 9 वाट की एलईडी है और एक एलईडी 1 वाट की है। दोस्तों, अब हम इसको होल्डर में लगाएंगे और लगाकर अब इसको शॉर्ट सर्किट करेंगे। वो शॉर्ट सर्किट मतलब कि 1 बाय 1 एक एक को शॉर्ट करेंगे। तो हम L1 से स्टार्ट करते हैं, इससे नहीं जला। L2 किया, L3 किया, अभी भी नहीं जला। L4 किया, अभी भी नहीं जला। L5 किया, अभी भी नहीं जला। ओ, ये तो चमका। L6 पे फिर से मैं चेक करता हूँ, ये फिर ग्लो किया। ठीक है दोस्तों, इससे हमें ये पता लग गया कि हमारी L6 LED खराब है। अब हमें जरूरत पड़ेगी हमारी सोल्डिंग आयरन की। वही देख रहे हैं आप, ये है L6, ये वाली जो कि खराब है। अब हम इसको आगे सही करेंगे। सोल्डिंग आयरन से हम इसको थोड़ा हीट करेंगे, इसलिए जब तक हीट करेंगे जब तक इसका शेप थोड़ा चेंज ना हो जाए। चेंज होने की, ये प्लास्टिक का मोल्ड होता है, इसको अगर हम हीट कर देंगे तो इजीली रिमूव हो जाता है सर्किट के ऊपर से। अब ये देखिए, हम इसको पिल ऑफ कर दिए स्क्रू ड्राइवर की मदद से। आप देख सकते हैं जैसा कि इसमें दो देख रहे हैं, वहाँ पे एक कनेक्शन दिख रहा है सर्किट का। ये हम सोल्डिंग पेस्ट ले लिए, अब इसको लगाएंगे ताकि हमारी बॉन्डिंग अच्छी हो, जो हमारा जोड़ बने, सोल्डर लगे वो अच्छा लगे, और हम इसको अच्छे से उस पर लगा लेंगे। और ये देख रहे हैं आप, फिर से मैं इसको लगा लेता हूँ थोड़ा, क्योंकि वहाँ टच था, हटाना पड़ा। और अब हम सोल्डिंग फिलर लेंगे, सोल्डिंग वायर जिसको कहते हैं, और सोल्डर की मदद से हम इसको बेल्ट कराएंगे। ये देखिए, मैंने करा लिया, और थोड़ा सा और। अब मैं ले जाके इसको सर्किट पे लगाता हूँ, इसलिए ये सर्किट है क्लोज हो जाए। दोस्तों, जो बल्ब एलईडी फ्यूज हो जाती है वो एक प्रकार से ओपन हो जाती है सर्किट, उस सर्किट को हमें क्लोज करना होता है। इससे कोई खास अंतर नहीं आता, बस 1 वाट लगभग कम हो जाता है आपका पावर कंजप्शन, मतलब एक एलईडी कम हो गई। हर एलईडी 1 वाट की थी। देखिए, जैसा कि ये कनेक्शन ओके है, अब हम इसको दोबारा से होल्डर में लगाएंगे और चेक करेंगे, और ओ वाह गुड, ये तो जल गई। दोस्तों, आप देख सकते हैं एलईडी बन के हमारी रेडी हो गई है। हम इसका कैप रख लेते हैं थोड़ा, क्योंकि इसका फ्लैश बहुत आ रहा है चेहरे पे, और ये ऑटो फोकस की वजह से थोड़ा ब्लिंक कर रहा है, जबकि ये नॉर्मल वे में जल रहा है वो कैमरे की वजह से, और ये ओके है। देखा दोस्तों,
अब हमारी एलईडी ओके है, हम इसको निकाल लेते हैं। इसके कैप को हम अच्छे से अब लगाएंगे। अगर आपके पास फेविकोल, फेविक्विक ग्लू जो भी चीज़ हो आप उससे लगा सकते हैं, और नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको ऐसे ही लगा दीजिए। मैं इसको बैठा देता हूँ, ये बैठ गया ठीक ओके। और एक बार जला के और देख लेते हैं, ओके डन। तो दोस्तों आपने देखा कि आज हमने आपको एलईडी के बारे में बताया, और आगे भी हम नई नई वीडियो लेके आते रहेंगे। और हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप उसको लाइक कर दीजिए, और अपनी राय हमें कमेंट में दे सकते हैं। और अगर आप एलईडी रिपेयर कर लेते हैं तो वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और साथ के साथ ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी कुछ नया सीख सकें। तब तक के लिए बाय बाय।